محسن लगा सेकंड मैच था और बनो के अंदर फर्स्ट टाइम मैं खेल रहा हूँ और एक अच्छी पेस के साथ मैच था। इंटरनेशनल प्लेयर थे टीम के जिसमें वकार कोहली, परदा जलील, मंजूर और मुबशर, और काफ़ी अच्छा मैच गया है। लास्ट क्वार्टर में लीड मिली हम लोगों को, लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ। मेरा नाम मुजीब रहमान है, मैं बेसिकली करत से तारुफ करता हूँ, पर पला बड़ा पेशावर में हूँ और हॉकी शौक था मेरा, इस वजह से मैं हॉकी खेलता हूँ। हमारे एपी सिक्री का बहुत शुक्रिया, जयशाला लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बन्नू में बहुत क्राउड है माशाल्लाह और बहुत अच्छी हॉकी देखने को मिलती है। अच्छा, आज आपने अपनी कारदगी के हवाले से बताएं कि आज आप लोगों ने टीम में कितने गोल किए और इस हवाले से कैसी रही आपकी कारदगी? हमारी टीम पेशावर फैल्कन स्टार्ट में बहुत टफ मैच हुआ और गोल नहीं निकल रहे थे, बहुत मुश्किल से गोल निकले। उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी, सीनियर्स प्लेयर्स थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे, वो चार उनके पास भी थे, पांच हमारे पास भी पाकिस्तान इंटरनेशनल। बहुत पहला गोल हमारे हनान शायद ने किया, जो मैंने अपने मैच भी रहा, उसके बाद दूसरा गोल मैंने किया लेफ्ट पे, जिसकी वजह से उनकी टीम बैठ गई थी, और तीसरा गोल हमारे दोस्त उस्मान ने किया और हनान शायद जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने बहुत अच्छा गोल करके हमारी टीम को फतेह हासिल कराई। बहुत शुक्रिया। लास्ट जो एक्टिविटी हमने की थी वो 2002 में की थी, जनरल अजीज साहब भी खुद यहाँ पे तशरीफ लाए थे, शखाब हुसैन शाह गवर्नर थे वो भी आए थे, शहीद खान साहब भाई जी थे वो भी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जूनियर चैम्पियनशिप फाइनल राउंड हमने कराया था, बड़ा एहसन तरीके से कराया था। उसके बाद हमने दो दिन ट्रायल किए थे जूनियर्स के। जब मैं यहाँ पर आया हूँ ट्रायल्स के लिए और ग्राउंड को मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ग्राउंड पे, क्योंकि इसमें रिंकल्स भी हैं, इसमें बबल्स भी हैं, और जो हमने लड़के लिए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से 16 जो जूनियर के हैं, वो जूनियर वर्ल्ड कप कर दो महीने के बाद उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप खेलना है। तो जिस तरह से मैं कॉलेज में मैं डर रहा था, तो इसी तरह यहाँ पे डर रहा हूँ, यहाँ पे मैच निकल जाए किसी की इंजरी ना हो, वरना ये पाकिस्तान को बड़ा लॉस हो, क्योंकि पाकिस्तान इज्जत और वकार का सवाल है। जूनियर वर्ल्ड कप दो महीने बाद, और ये फेडरेशन ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि उन्होंने हमें लड़के दिए कि हमारी यूथ कामयाब हो जाए, हमारे बच्चे
नहीं किसका। तो अगर आप इस टर्फ को देखें तो आपको क्लियर कट बीच में डिम्पल्स रिंकल्स बबल्स और बल्कि ये तो ऐसा है कि कहीं पे आपको गड़े नज़र आएंगे। मैंने बच्चों को कहा कि यार आप इसको लाइट लें, मैच के हार जीत का मत सोचिए, अपने फ्यूचर का सोचिए, जो दो महीने बाद हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है उसका सोचिए।